मुकद्दस सफर में जाने को लेकर सचिवालय में लॉटरी का आयोजन किया गया और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद और हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान ने बटन दबाकर लॉटरी निकालने की शुरुआत की और जिसमें सबसे पहले अजमेर के शाहिद नूर और शाहिदा बेगम का कुर्रा निकला। 10,750 लोगों ने हज के सफर के लिए आवेदन किया था जिसमें कुर्रे के जरिए 4,535 लोगों के लॉटरी में नाम आए और मंत्री सालेह मोहम्मद ने बताया कि आवेदकों की पहली फ्लाइट 1 जुलाई को उड़ान भरेगी और यह सिलसिला 14 अगस्त तक चलता रहेगा। कुल 10,750 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 5264 जो था वो राजस्थान राज्य को सीट का कोटा एलोकेट किया गया था, उसमें से 703 70 वर्ष से अधिक के हाजी थे और 26 जो है वो गैर महरम वाले जो कैंडिडेट थे वो थे। तो इस तरीके से 729 वो कैंडिडेट थे जिनका पहले से ही निश्चित था कि वो इस बार हज के ऊपर जाएंगे। शेष जो है हमारे 4535 जो सीट्स हैं उनके लिए कुर्रा निकाला जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट जो हज हाउस की संघीय बुनियाद रखने के बाद जितनी मदद और जिस तरह की व्यवस्थाएं कर पाई और इस बार भी हम चाहते हैं जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कुछ जो खामियां रही उस खामियों को हम दुरुस्त करें। जो यहां विदेश मंत्रालय या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहेंगे कि ये हज का मुकद्दस है, इसमें हर आदमी को जो एक यात्रा पे जो हज पे जो अरकान के लिए जा रहा है उसको एक अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए और अपना हज का सफ़र वो आसानी से करके आए। मैं 5 साल हो गया मेरे को भरते हुए, 5 साल में आई है मेरा नंबर। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है और हमारे जमील भाई की बहुत बड़े इनका योगदान रहा इसके अंदर, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। अल्लाह ताला जिसके भी बाकी रह गया उनको सबको पहुँचाएँ वहाँ पर। अभी तो जो लगाते हैं ये कैंप वगैरह वहाँ पर जाएँगे, वहाँ मालूम करेंगे क्या क्या होता है, उससे इंशाल्लाह बहुत सहूलियत मिलेगी। बहुत खुशी हो रही है, हम बयान नहीं कर सकते हैं अभी। आज ये हज का कुर्रा खुला है, इसमें हम आए थे और इंतजार कर रहे काफ़ी दिनों से कि आज का पहले 7 तारीख थी, फिर 8 तारीख हुई, फिर 15 तारीख है। तो 15 तारीख का सुबह से ये के साथ जल्दी से आए और हम पहुँचे और देखें। आज आके देखा हमने तो स्क्रीन पे हमने अपना नंबर देखा, 600 नंबर आया और हमारे पूरी फैमिली माशाल्लाह जा रही है और हम 5 मेंबर हैं और 5 जा रहे हैं और बड़ी खुशी हुई और बिल्कुल ऐसे आंसू आए जैसे पता नहीं क्या मिल गया हमें और पूरी जन्नत ही मिल गई। अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि बस हर चीज़ मिल गई।